हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले आप देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि मान लेते हैं कि गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होता है, परम ताप जो होता है टी, और उसका वैल्यूम वी होता है। ठीक है, वी है तो गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स की जो भी मॉलिक्यूल्स के जितने भी जो नंबर होंगे, एन जो होगा वो जो कि जिसे हम अवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एन की वैल्यू आपको ये एन, और एन की वैल्यू होती है, सॉरी, एन की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, जिसे होती है जिसे अवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मान लेते हैं कि गैस के एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो एम है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होगा उसका रूट मीन स्क्वायर जो होगा वो रूट मीन स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। ठीक है, तब मतलब अणुगति सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स के अनुसार, गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे तो गैस के 1 ग्राम अणु का प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने निकाला था P = 1/3 mn/V और रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो V आप यहाँ पे लेके चलिए, PV = 1/3 mn/V². ठीक है, ये जो mn है ये टोटल मॉलिक्यूल नंबर हो जाएगा, आप टोटल मास ले सकते हैं इसका, क्योंकि n जो है उनका नंबर है, मॉलिक्यूल्स के जो मासेज हैं उनमें जो मॉलिक्यूल है उनके नंबर है और ये उनके मासेज, उनका मास है, तो वे जब टोटल एक साथ होंगे तो इसे आप टोटल मॉलिक्यूल मासेज आप मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, तो ये कैपिटल M हो गया। तो PV = 1/3 mv² हो गया। अब आपको पता है PV = RT होता है गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आप PV की जगह RT लिख दीजिए, RT = 1/3 mv². ठीक है, अब यहाँ से आप रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सारे टर्म इधर लेके चले आइए, तो ये हो गया V²=3RT/m या √V²= √3RT/m। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी निकली, ये जो भी V²² निकला, इसे आप VRMS कह सकते हैं, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका रूट निकला तो इसे आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये 3R/m। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट हो गया और T जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा टेम्परेचर, तो आप इसे, आपको ये पता चलता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, उसके रूट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, ये तो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपका आ रहा है कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो √3RT/m है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर 1 ग्राम अणु या मॉलिक्यूल गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 ग्राम अणु गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ½mv² होती है। अब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल के टर्म में बात करनी है तो आप v² लेंगे v की जगह पे। ठीक है, तो ½mv² = 1/2m और v² की आप वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख दीजिए, 3RT/m हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/2m v²= 3/2RT, ये हम कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये और ये कैंसिल होगा और ये जो है नहीं वापस ऐसे ही रहेगा। फिर 1 ग्राम अणु गैस में n अणु होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम अणु गैस में n अणु होते हैं। ठीक है, n मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आपको देखनी है तो वो हो गया 3/2RT/m। एक अणु की एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेनी है तो आप 3/2RT/n अवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और 3/2 आप इसे R/n और Ts लिख सकते हैं। उसके बाद R/n को आप एक कांस्टेंट मान लीजिए K, ठीक है, और K यहाँ पे वोल्ट्समैन कांस्टेंट हो गया, R/n को आपने वोल्ट्समैन कांस्टेंट मान लिया K के टर्म में, तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं ½mv²= 3/2kT हो गया। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2kT। तो ये कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम था, और जो VRMS प्रोपोर्शनल टू √T था
वो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से वापस इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलास्टिसिटी होगा।